हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स बंद हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, कोचिंग में पढ़ाते थे, स्कूल्स में पढ़ाते थे। अब उनको इस बात की जरूरत महसूस हो रही है कि हमको भी ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए। अब जब आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो ऑनलाइन टीचिंग शुरू कैसे करेंगे, कौन कौन से एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको वीडियो कैसे बनाना होगा, ये सब कुछ करने में लगभग आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, और जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो आपकी अर्निंग कितनी होगी, इस तरीके की प्रोसेस से मैंने कितनी कमाई करी है और क्या है सच्चाई, ये मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो हर एक बेसिक से बेसिक चीज आपको यहाँ जानने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियोस आने वाले टाइम में आपको सबसे पहले मिल जाया करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नट करो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम उमानाथ पांडे है। एक CBSE एफिलेटेड स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर हूं मैं। साथ ही हमारी खुद की अपनी कोचिंग है। ऑनलाइन पढ़ाने का काम 2012 से हमने शुरू किया था। उसके बाद में ऑनलाइन कोर्सेज सेल होने लगी। इस टाइम पे हमारी कोर्सेज अवेलेबल है CBSE और UP बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा। फिलहाल अभी हम इस वीडियो पे कंसेंट्रेट करते हैं और बात करते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग शुरू कैसे करें। अब इस लॉकडाउन के पीरियड में जब आपने कुछ अच्छा करने की सोची है तो बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि ऑनलाइन टीचिंग करेंगे कैसे। ऑनलाइन टीचिंग का मतलब है कि कोई दूर बैठा हुआ हो और आपने जो कुछ भी बनाया हो कोर्स, या जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, वो डायरेक्ट वहां तक पहुंच जाए। इसी को हम नॉर्मली डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कोर्सेस कहते हैं, ऑनलाइन टीचिंग, जिसमें कोई इंटरनेट के माध्यम से आपसे जुड़ा हो और पढ़ाई कर रहा हो। अब वैसे तो इसके इतने फॉर्म हैं, इतने तरीके हैं कि सारा सब कुछ एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। तो अगर आपने ऑनलाइन टीचिंग करने की सोच ली है तो कैसे शुरू करेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए दोस्तों कुछ जरूरतें हैं, कुछ हार्डवेयर हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, या कुछ इसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं जो आपके पास में होने चाहिए, और तभी आप प्रॉपरली अच्छी तरीके से अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, पढ़ाने का जो तरीका है ना, नॉर्मली स्कूल में क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड पे आप पढ़ाते हैं या बोर्ड पे पढ़ा देते हैं। यहाँ पे चूंकि सबके घर में स्मार्ट बोर्ड नहीं लगा हुआ है, सबके घर में बोर्ड भी नहीं लगा है क्योंकि घर में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो अब आपने भी बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे, बहुत सारे हमारे दोस्त लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी पर लिखना शुरू किया और उसकी रिकॉर्डिंग कर ली और वही कोर्स अपलोड कर दिया YouTube पे या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मतलब कॉपी पे लिखते हुए समझाते हुए रिकॉर्डिंग अगर आप करें तो इसी को कॉपी पर पढ़ाना कहते हैं, या जो भी आप कह सकते हैं उसको कहें। दूसरा है बोर्ड पर, अब आपके सामने ग्रीन बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, मार्कर, चौक, जो भी आपके पास में अवेलेबल है उससे भी आप पढ़ा सकते हैं। साथ ही में अगर आप चाहें तो जिस तरीके से मैं मोबाइल पे वीडियोस बना रहा हूं, इस तरीके से यहाँ पे नोट्स लिख ले और बच्चों को ऐसे नोट्स बना बना के पढ़ा दे। इसके साथ में अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे भी पढ़ा सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके, नोट्स बना करके, उस पर लिख करके, वॉइस ओवर के माध्यम से। तो इन सब में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है, ये बात कहीं ना कहीं आपके मन में आती होगी। तो मैंने कॉपी को छोड़ करके बाकी हर तरीके से पढ़ाई करी है, ऑनलाइन हमने पढ़ाया है बच्चों को। अभी तो फिलहाल हमने बंद किया हुआ है, सिर्फ अपने कोर्स वाले बच्चों को मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, सबके लिए अवेलेबल नहीं है ये।
लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है दोस्तों वो यही रहा है कि कॉपी पर पढ़ाने का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको व्यूज बहुत मिली है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, जो 4-5 साल पहले जिन्होंने ये काम किया था वहां पे उनको सफलता मिली थी। अगर आप बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि आप जल्दी ग्रो करेंगे और आपका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा बच्चों पे। लेकिन यहाँ कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें ये हैं कि बोर्ड पे पढ़ाने के लिए आपके पास कुछ बहुत ही जरूरी चीजें होनी चाहिए, जैसे एक माइक्रोफोन बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए बोर्ड पे और आपके फेस पे चेहरे पे लाइट्स अच्छी पड़ रही हो, और रिकॉर्डिंग सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो या मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और साथ ही में आपको वीडियो एडिटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लगातार 1 घंटे तक 40 मिनट तक तो आप बोर्ड पे सब कुछ सही सही नहीं पढ़ा सकते ना, बीच में कहीं कुछ मुंह से इधर उधर निकल गया, आपको खांसी आ गई, आपको प्रॉब्लम हो गई बोलने में, तो उसको कैसे हटाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग भी आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव यही है। अब हम बात करें अगर मोबाइल या लैपटॉप की, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नोट्स बना लेते हैं या स्लाइड बना लेते हैं, एक एक खिसकाते जाते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है और मोबाइल पर उसको पढ़ाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इमेज की फोटो खींचकर पीडीएफ में चेंज कर लेते हैं और मोबाइल के माध्यम से स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से पढ़ाते हैं। बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं लैपटॉप का, अब उसमें चाहे पावर पॉइंट बना के पढ़ाएं, चाहे क्वेश्चन लिख दिया नीचे सॉल्यूशन लिखते हैं, तो उस तरीके से भी आप पढ़ा सकते हैं। वैसे इन सब में सबसे ज्यादा इफेक्टिव बोर्ड पे या स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना होता है। तो अगर आपके पास में एक छोटा सा बोर्ड है, आपके पास में जरूरी संसाधन है, तो आप इस पे पढ़ा सकते हो। अब बात आती है कि क्या क्या जरूरी सॉफ्टवेयर, माइक, एप्स, एप्लीकेशन क्या क्या पढ़ेंगे आपके लिए, तो मैं यहां पर जल्दी जल्दी बता देता हूं। वैसे इन सब चीजों की जरूरत आपको है और आपको पता भी होगा। तो सबसे पहले अगर आप मोबाइल से पढ़ाना चाहते हैं या आप कॉपी पे पढ़ाना चाहते हैं, बोर्ड पे पढ़ाना चाहते हैं, कहीं भी पढ़ाना चाहते हैं, तो मोबाइल तो आपके लिए मस्ट है। अब इस मोबाइल के साथ में भी आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अगर आप मोबाइल पे नहीं पढ़ाना चाहते, आप बोर्ड पे पढ़ाना चाहते हैं और अच्छी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो DSLR कैमरा हो या मोबाइल का ही कैमरा हो, जो भी आप डिजिटल कैमरा हो, जैसे भी, अगर आप लैपटॉप पे पढ़ाना चाहते हैं या वीडियो एडिटिंग अच्छी क्वालिटी का करना चाहते हैं या एनिमेटेड वीडियोस बनाना चाह रहे हैं हाथ से लिखने वाला, तो उसके लिए लैपटॉप की जरूरत है। नहीं तो आपके पास में बोर्ड होना चाहिए जिस पे आप पढ़ा रहे हो। अगर आप पेपर पे पढ़ाना चाहते हो तो पेपर होना चाहिए, पेन्स वगैरह आपके पास में होने चाहिए। ये बेसिक जरूरतें हैं और हमारे ख्याल से इनमें से बहुत सारी चीजें आपके पास में होंगी। मोबाइल होगा जिसमें कैमरा भी है, लैपटॉप भी आपके पास में हो सकता है, बोर्ड भी, पेपर तो सबके पास में होगा ही होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको इसमें पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो जरूरत आपको पड़ेगी स्क्रीन रिकॉर्डर की। अगर आप बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हो, अगर आप कॉपी पे नहीं पढ़ा रहे हो, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, मोबाइल पे पढ़ा रहे हो या लैपटॉप पे पढ़ा रहे हो, उस कंडीशन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखो, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है, जो यहां पर जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उन सारी चीजों को ये रिकॉर्ड कर रहा है। अब इसमें बहुत सारी बटन्स हैं, आप देख सकते हो, इन पे मैं रोक सकता हूं, जब चाहूं तब वीडियो खत्म कर सकता हूं, या यहाँ पे एक बटन है जिसको दबा करके मैं कहीं भी इस तरीके से लिख सकता हूं। तो ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है DU स्क्रीन रिकॉर्डर। जी हाँ, DU स्क्रीन रिकॉर्डर, और ये प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पे जब आप इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे तो थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे, बीच का हिस्सा निकालना हुआ, शुरुआत में कुछ खत्म करना हुआ, वीडियो को दो भागों में तोड़ना हुआ, वीडियो में कोई टेक्स्ट ऐड करना हुआ, कोई इफेक्ट डालना हुआ, तो ये सब काम ये कर देगा। अब अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाह रहे हैं लैपटॉप पे, तो सबसे बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डर आता है कैमटेसिया का, लेकिन ये 21-22 हजार रुपए में आपको मिलेगा। पेड सॉफ्टवेयर है, 30 दिन के फ्री ट्रायल पे भी आपको मिल जाएगा।
अगर आप चाहें तो थर्ड पार्टी बहुत सारे ऐप्स हैं, एप्लीकेशन हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको गूगल पे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अब जब आप ये स्क्रीन रिकॉर्डर हैं, वीडियो एडिटर हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब तब जरूरी है जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ा रहे हो लैपटॉप पे या मोबाइल पे। लेकिन आप कहीं भी पढ़ा रहे हो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, थंबनेल मेकर। थंबनेल क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों जब आप वीडियो अपलोड कर लेते हो तो ऊपर कुछ ऐसे लगाते हो जो वीडियो के ऊपर आपको एक इमेज दिखता है, इसी को थंबनेल बोलते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने ये लगाया था, अब की बार वीडियो में मैं ये लगाने वाला हूं, तो ये लगाने वाला हूं, तो इसी को थंबनेल बोलते हैं। और जितना ज्यादा आकर्षक होगा उतने ज्यादा लोग इस पे क्लिक करेंगे और उतने ही ज्यादा व्यूज आने की संभावना आपकी बनेगी, तो इसी को थंबनेल बोलते हैं। ये आपके पास में होना चाहिए थंबनेल मेकर। तो ये भी बहुत सारा है, मैं जिसका यूज करता हूं उसको पिक्सेल लैब कहते हैं, तो ये आप इसको भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और इस पे मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा कि किस तरीके से मेरा थंबनेल बनता है, और वो भी 2 मिनट में बन जाता है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको एक पीडीएफ मेकर की जरूरत पड़ेगी। जैसे फोटो खींच लिया उसको पीडीएफ में चेंज कर लिया, कैम स्कैनर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा। या एडोब रीडर वगैरह जो भी हो आपके पास में, जो पीडीएफ फाइल्स को रीड कर सके जिस पे आपको वीडियो बनाना है। इसके अलावा अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं तो पीपीटी या स्लाइड मेकर नाम का भी सॉफ्टवेयर वहां पे मिल जाएगा। और ये सब सॉफ्टवेयर्स आपकी मदद करेंगे आपके वीडियोस को बनाने में। इन सब का यूज कैसे करते हैं मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक एक करके बताऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब बात आती है कि वीडियो बनाएं कैसे। तो जब आपके पास ये सारी चीजें हो जाएंगी उस टाइम पे आप वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। अब कैसे बनाएंगे, तो मैंने बताया स्क्रीन वीडियो, जैसा कि मैं इस टाइम पे बना रहा हूं, आप इसको भी बना सकते हैं। आप लाइव वीडियो बना सकते हैं, मतलब आपने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, सामने पढ़ाने लगे, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और डायरेक्ट अपलोड कर दिया, ये होता है लाइव वीडियो। कभी कभी आप YouTube पे लाइव भी आ सकते हैं और वहां पर भी पढ़ा सकते हैं, तो जो कुछ भी आप पढ़ाएंगे बच्चे डायरेक्टली उसी को देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना जानते हैं तो पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना लें और उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, तो पावर पॉइंट का वीडियो बन जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव वीडियोस होते हैं, इसमें एनिमेशन डाल सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनते हैं। इसके अलावा अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप कंप्यूटर में आपको महारत हासिल है, आपने एनिमेशन सीखा है, तो कार्टून वीडियोस आप बना सकते हैं या चलते फिरते वीडियोस बना सकते हैं, इसको एनिमेटेड वीडियो कहते हैं। या आप कोचिंग पढ़ाते हैं या आपके यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, हो सकता है इस टाइम पे ना आ रहे हो, तो क्लासरूम वीडियो भी आप बना सकते हैं। मतलब बच्चे पढ़ रहे हो और पीछे से आप रिकॉर्डिंग करें तो लोगों को लगेगा कि हाँ इतने लोग हैं इनके यहाँ पढ़ाने में, तो जरूर कुछ ना कुछ बात इन पे होगी। तो इस तरीके से आप वीडियोज बना सकते हैं। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन जिस भी चीज के बारे में कि कैसे बनाए, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब कितना खर्चा होगा मैं इस पे आता हूं। अगर आपके पास में मोबाइल है, आपके पास माइक है, अगर माइक आप खरीदना चाहें तो खरीद ले, नहीं तो नॉर्मल आपका जो भी हेडफोन है, ईयरफोन है, उसी से आप काम चला सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें आपके पास में अगर हैं तो कोई खर्चा नहीं है, आप जब चाहे वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं। और जब मैंने स्टार्टिंग करी 2012 में दोस्तों, तो मैंने 3 साल तक बिना किसी खर्चे के डायरेक्ट मोबाइल से ही अपने वीडियोस बनाए। उस टाइम पे वीडियोस मोबाइल बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं आते थे, आते भी थे तो बहुत महंगे थे, एंड्रॉयड शुरू हुआ था तुरंत, वही मतलब अच्छी क्वालिटी का 20-25 हज़ार रुपए में मिलता था। लेकिन बेसिक फोन से हमने स्टार्टिंग करी और बहुत सफलता हमको मिली। तो अगर ये सब है आपके पास में तो समझ लीजिए कि आप 100-200 रुपए में आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, या बिल्कुल जीरो फीस पे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आपको खरीदने होंगे, जितना बजट होगा आपका वो आप लगा लीजिए। अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का सब कुछ खरीदना चाहते हैं तो भी आपका 20 से 25 हज़ार रुपए मान करके चलिए कि सब नॉर्मल चीजें होंगी, वो आपकी इसमें सेटअप हो जाएंगी। बहरहाल ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि पढ़ाने का जो बिजनेस है इसमें जितना भी रुपया आप इन्वेस्ट कर दें वो कम ही होगा।
तो सेटअप आप 1 रुपए में भी कर सकते हैं और 1 लाख 2 लाख रुपया भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि बहुत से कोचिंग संस्थान वाले लगाते हैं। बात आती है कितनी अर्निंग होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कोई भी कुछ भी ऐसे ही नहीं करता। कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये बात होगी कि अगर मैं ये काम करूं तो फ्री में क्यों करूं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फ्री में करते हैं और अर्निंग उनका उद्देश्य नहीं होता, उनका उद्देश्य ये होता है कि हमारे बच्चे हमसे सीख लें, हमसे इंस्पायर हो, उनका टाइम बेकार ना जाए। लेकिन अगर आपके मन में ये बात है कि अर्निंग कितनी होगी तो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये भी एक जरूरी फैक्ट है। आप अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको कुछ मिलना चाहिए। तो बच्चों दोस्तों, शुरू में आपको अर्निंग के नाम पे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि जब तक मोनेटाइजेशन नहीं होता यूट्यूब से या कहीं भी प्लेटफॉर्म से, आपको 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला है। तो शुरू में तो आपको 0 रुपीज मिलेंगी, जब व्यूज आने लगेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, 1,000 सब्सक्राइबर हो गए, 4,000 घंटे का वॉच टाइम हो गया, तब आप अप्लाई कर पाओगे यूट्यूब वीडियोस के मोनेटाइजेशन के लिए। उस टाइम पे अगर मोनेटाइजेशन हो गया तो भी आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं होगी और धीरे धीरे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। बहरहाल आप ये मान लो कि 4 डिजिट तक आने में आपको टाइम लगेगा। तो फिलहाल शुरू में 6 महीने तक तो आप ये मान करके चलो कि कुछ भी हमको नहीं मिलना है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमको सेवा करनी है। अगर आपके सब्सक्राइबर्स ज्यादा बढ़ गए तो हो सकता है आपको कुछ स्पॉन्सरशिप मिल जाए या स्पॉन्सर्ड वीडियो करने का मौका मिल जाए, उस कंडीशन में आपकी कमाई थोड़ी बहुत हो जाएगी। अदरवाइज 6 महीने के बाद में जब आपके वीडियोस ज्यादा हो जाएंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी आपकी, बच्चे ज्यादा सब्सक्राइब कर लेंगे, आप में एक ट्रस्ट डेवलप होगा बच्चों का, उस टाइम पे हो सकता है तब तक आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। मेरे 3 चैनल इस टाइम पे हैं, तीनों मोनेटाइज हैं। पहला चैनल जो हमने 2012 में शुरू किया था तो तुरंत मोनेटाइजेशन हो जाता था। अभी फिलहाल जो रूल्स हैं, जो पिछले साल जिस चैनल पे मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, इसको मोनेटाइज होने में 2 महीने का टाइम लगा और 2 महीने के बाद अर्निंग शुरू हुई। तो 6 महीने के बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, लेकिन ये भी 4 डिजिट तक पहुंचने में इसको टाइम लगेगा। तो 4 डिजिट का मतलब आप समझ रहे हो कि मैं 1,000 की बात कर रहा हूँ, तो 1,000 से 9,999 रुपए तक आप 6 महीने से 1 साल के बीच में रहोगे। पर मंथ की बात अगर मैं करूं तो ये आपकी स्किल पे डेवलप करता है, कि डिपेंड करता है कि आप कितनी कमाई कर लेते हो, कितना ज्यादा पैसा आप कमा लेते हो। जहां तक मेरी अर्निंग की बात रही दोस्तों, तो 6 महीने के बाद मेरी जो अर्निंग थी, अब मैं एग्जैक्टली तो आपको नहीं बता सकता, बट ये टोटल अर्निंग की बात अगर मैं करूं तो ये 6 डिजिट में पहुंच गई थी। अब 6 डिजिट क्या होता है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि 6 डिजिट की अर्निंग कितनी होती होगी। 1 साल अभी इस चैनल का पूरा हुआ है, इस चैनल की अर्निंग अभी भी 6 डिजिट में ही है, लेकिन इससे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपके कोर्सेस सेल होने लगती हैं, आपको स्पॉन्सर्स मिलने लगते हैं। तो अगर हम उन सब रिसोर्सेस को भी जोड़ लें तो ये जो अर्निंग है हमारी, ये 7 डिजिट में है, और 7 डिजिट का मतलब आप जान सकते हो। तो 1 साल में अगर आप अच्छे से स्टेब्लिश कर ले गए तो आपकी कोर्सेज भी शुरू हो गई, आपकी ऑनलाइन टीचिंग अच्छे से चल गई, पेड कोर्सेज आप अवेलेबल करवाने लगे, तो 6 से 7 डिजिट में आपकी अर्निंग पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली तो कोई नहीं बताता है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोज अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले 1 महीने में मैं यूट्यूब की हर एक बारीक से बारीक चीजों को आपको सिखा दूंगा और आप भी एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे वीडियो को बनाने में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इतना लंबा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।